कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची के MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका के माध्यम से राहुल गांधी ने सशरीर हाजिरी को लेकर याचिका दाखिल की थी और इस याचिका के माध्यम से इस पे छूट देने की मांग की गई थी, लेकिन MP MLA की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू ने इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अब सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है, जिसके तहत अब उन्हें MP MLA कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। आपको बता दूं कि मामला 2018 का है, जब राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में उलगुलान महारैली को जब राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर रांची के निवासी प्रदीप मोदी ने रांची के MP MLA कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इसी मुकदमे को लेकर सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई में विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ये मामला एक डिफेमेशन की मामला थी, जिस डिफेमेशन के मामला में समन किया था मिस्टर राहुल गांधी को, उसके अगेंस्ट में हम लोग 205 की एप्लीकेशन फाइल की। 205 डिस्पेंसिंग फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस होता है और वो आज नहीं सुनवाई हुई थी, 7 दिन पहले सुनवाई हुई थी। 7 दिन पहले सुनवाई करके मैंने उसको सब जजमेंट के साथ एवरीथिंग पिटीशन फाइल किया था, अंडरटेकिंग भी दिया गया था कि जब भी कोर्ट बुलाएंगे वो आएंगे, मगर ईच एंड एवरी डेट में वो आ नहीं पाएंगे और ये प्रक्रिया के लिए हम लोग बहस किए थे, मगर आज ये केस ये पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है कि इस पिटीशन के अगेंस्ट में हम लोग हाईकोर्ट में दायर करेंगे 482 या क्रिमिनल रिट अंडर आर्टिकल 226। इससे मिलते जुलते एक और मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। बता दें कि गुजरात के सूरत कोर्ट में भी इसी तरह का मामला चल रहा था, जहां राहुल गांधी ने 2019 में भी इसी तरह का विवादित बयान दिया था और उसी बयान को लेकर सूरत कोर्ट में केस किया गया था और उस केस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी और 2 साल की सजा जैसे ही सज़ा सुनाई गई उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। बता दें कि अब राहुल गांधी को रांची के MP MLA कोर्ट में हाजिर होना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कब MP MLA कोर्ट में हाजिर होते हैं और आने वाले समय में क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।